रायबरेली से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में जमकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को जहां मौका मिलता है वहीं चक्रव्यूह बना देते हैं और हम उसे तोड़ने का काम करते हैं। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। इसी दौरान बजट का उदाहरण देते हुए उन्होंने अडानी और अंबानी का भी नाम लिया। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का सदन में दूसरा भाषण था और पिछले भाषण की तरह उनसे इस भाषण से भी कुछ शब्दों को रिकॉर्ड को हटा दिया गया। उनके दूसरे भाषण में जिन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया गया उनमें 4 नाम मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी शामिल हैं। ऐसे में ये सवाल एक उठता है कि आखिर राहुल गांधी के सदन में अंबानी, अडानी या किसी और का नाम लेने पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति क्यों दर्ज की गई? संसद में क्यों नहीं ले सकते हैं इनका नाम? क्या कहता है नियम? तो चलिए जानते हैं नियम 380। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 380 के अनुसार अगर अध्यक्ष का मानना है कि बहस के दौरान कुछ ऐसे शब्दों या नाम का इस्तेमाल हुआ जो अशोभनीय या अपमानजनक या अशंसनीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक के अनुसार इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश दे सकता है। इस प्रक्रिया को एक्सपेक्शन कहते हैं। इसके अलावा भारतीय संसद के सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में भाषण के दौरान किसी बाहर के व्यक्ति का नाम लेने पर पाबंदी होती है। ये पाबंदी संसदीय नियमों और प्रतिक्रियाओं के तहत लगाई गई है। नियम 352 के तहत लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार 352 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति का नाम तब तक नहीं ले सकता जब तक वो व्यक्ति संसद की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो। ठीक इसी तरह राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के तहत इस प्रकार के प्रावधान होते हैं। इसके अलावा उस सदस्य का नाम भी तभी लिया जा सकता है जब उससे जुड़ी जानकारी प्रमाणित और सत्यापित हो। ऐसे में अगर राहुल गांधी संसद में अंबानी या अडानी का नाम बिना किसी प्रमाण या तथ्य के लेते हैं तो संसद के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये नियमों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संसद की कार्रवाई मर्यादित और उद्देश्यपूर्ण रहे। बाहर के व्यक्तियों का नाम लेकर बहस को अनावश्यक विवादों से दूर रखा जाएगा। तीसरा नियम है 353। संसद में अगर किसी सांसद को भाषण के दौरान किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 353 के तहत सभापति या अध्यक्ष को उस व्यक्ति के बारे में पहले से ही सूचना देनी होती है। अगर सभापति या अध्यक्ष इसकी अनुमति देता है तभी उन पर आरोप लगाया जा सकता है। 29 जुलाई के भाषण में राहुल ने और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर जो अन्नदाता हैं वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून,
जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। राहुल गांधी ने कहा कि आज युवाओं के लिए पेपर लीक मुद्दा सबसे बड़ा है। जहां भी जाओ बेरोजगारी वहां है। एक तरफ पेपर लीक चक्रव्यूह और दूसरी तरफ बेरोजगारी चक्रव्यूह। 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुए। पहली बार आपने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए एक रुपया नहीं। संसद में भाषण देते हुए इन नियमों को ध्यान में रखना होता है। लोकसभा की रूल बुक में नियम 349 से लेकर नियम 356 तक इस बात का विस्तार में जिक्र है कि संसद में भाषण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है या किन बातों का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। तो नियम 349(1) में है कि इस नियम के अनुसार सदन में भाषण देते हुए किसी भी ऐसे किताब, अखबार या पत्र को पढ़ा या इसका जिक्र नहीं किया जा सकता जिसका सदन की कार्रवाई से कोई लेना देना ना हो। नियम 349(2) में किसी भी सदस्य के भाषण के वक्त शोर शराबा या किसी भी तरीके से बाधा नहीं डालनी जा सकती। नियम 349(12) में ये कहा जाता है कि कोई भी सदस्य स्पीकर की कुर्सी की तरफ पीठ करके न बैठ सकता है और न ही खड़ा हो सकता है। नियम 349(16) में सदन में कोई भी सदस्य किसी भी झंडा प्रतीक प्रदर्शित नहीं करेगा। राहुल गांधी की तरफ से हाल ही में भगवान शिव की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला ने इसी नियम का हवाला दिया था।